अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज देख रहे होंगे कि हम किचन में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाएंगे आज मैं आपको दिखाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग सब ऐसे साथ नजर में सुरक्षा करूँगी। और यहाँ पे है हमारे पास ऑलिव ऑयल, इससे पहले पैन में डाल देंगे और हम बनाएंगे फ्राई अंडे। फ्लेम हमारा लो है क्योंकि जो है ना वो हाफ फ्राई अंडे बनाएंगे। दो अंडे इकट्ठी डाल देंगे ताकि जल्दी बन जाए, स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक करते जाइएगा और डबल टैप करते जाइएगा और लाइक को शेयर करते जाइएगा। और जो नमक कह रहा हूँ मैं साथ ही डाल दूंगी क्योंकि बाद में जब ऊपर डाले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं जब बनाती हूँ तो मैं साथ नमक डाल देती हूँ, हम बाद में डालेंगे। चलो फ्लेम को हम कर देंगे और यहाँ पे साथ हम कर देंगे गैस को ऑन और साथ ही हम करेंगे तैयारी चाय बनाने की। यहाँ पे हमारे पास पत्ती ब्राइंडिंग हो रही है, यहाँ पे है पत्ती हमारे पास और एक डिब्बे में हमारे पास गुड़, क्योंकि हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करते, हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भी गुड़ का इस्तेमाल करें, गर्म पड़ गया यहाँ पे। और हमारा किचन फिर से गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग के लिए इतनी पत्ती क्योंकि हम पीते हैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी काफी स्ट्रॉन्ग चाय हम लोग पीते हैं क्योंकि अगर कम पत्ती हो तो हमें चाय पीने का मजा नहीं आता। अच्छा, और इधर जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि ये बन क्या रहा है, कुछ बन भी रहा है कि ऐसी चीजें जो है ना फेंकी जा रही। लेकिन अगर आपने देखना है कि क्या बन रहा है तो उसको उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा लोग। और ये है गुड़, गुड़ की खुशबू इतनी अच्छी है, ये देखें बहुत अच्छी खुशबू। और मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं जब पराठा बनाती हूँ तो थोड़ा सा गुड़ मैं पराठे के ऊपर भी रख लेती हूँ और मैं जो है ना पराठे के साथ गुड़ खाती हूँ, मुझे मजा आता है उसका। गुड़ का ये चक्कर है कि आपको जो है ना जितना भी डालें इसका आपको इतना ज्यादा नुकसान है जितना आपको शुगर का नुकसान है। चले अब साथ साथ हमारी बनती जाएगी और लाइव को मुझे लगता है कि हम लाइव को शेयर कर देते, मैंने तो शेयर भी किया। और प्लीज आप लोग भी जो जो देखते हैं वो भी हमारे लाइव को शेयर करते हैं और आप भी हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा सा कमेंट लिखना मत भूलिएगा। फिर मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊंगी, ये कुछ कमेंट्स के हवाले से। लो जी यहाँ पे तो है गैस बंद, गैस सर्दी की वजह से बहुत कम आ रही है और मेरी जो है ना ये देखिए अंडे मसाला कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना प्यारा इनका कलर है व्हाइट और येलो। नाश्ता हमारा पहले लेट हो चुका है और मेरी आनी है शाम तक मियां जी से कि इतना लेट नाश्ता क्या करती हो। हमने मैंने जो है ना ये इसका फ्लेम लो कर दिया, लो क्या लो करेंगे तो बंद ही हो जाएगा, तकरीबन बंद कर दिया ताकि पहले हम जो है ना अपने अंडे और ब्रेड को कर दें, उसके बाद हम आ जाएंगे चाय की तरफ। यहाँ से हम कुछ शेयर करते हैं अपने लाइव को, शेयर करेंगे हम फेसबुक पर और फेसबुक पर शेयर करेंगे हम राबिया लियाकत के अकाउंट पर। यस, पूरी डिटेल आप लोगों को साथ साथ देंगे ताकि किसी को भी किसी भी चैनल पर कोई मसला ना हो। देखा आवाज़ आनी शुरू हुई है, हमारे अंडे जो हैं वो बनने लगे हैं। यहाँ पे किसी ने किया है हमें दुआएं नहीं खाई आपकी जी, कैसे हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं आप लोगों की और हमारे लिए इसी तरह हम दुआएं करते जाएं ताकि हम दिन ब दिन और तरक्की करते जाएं। गैस आते ही अंडों में शोर मचाना शुरू कर दिए। इंशाल्लाह यूट्यूब पर हम ब्लॉगिंग में क्या करूंगी और डेली रूटीन की जो है वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी, आप लोग वहां पे जाके देखना मत भूलिएगा। और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है टेस्टी राबी फूड एंड ब्लॉग, और मैं इधर भी बता देती हूँ मेरे चैनल का नाम है टेस्टी राबी फूड एंड ब्लॉग।
वो जब मेरा सिल्वर बटन आना था तो उन्होंने बोला कि आपने अगर अपना नाम चेंज करना है तो अभी आप कर सकती हैं, क्योंकि फिर हम उस पर भी लिखने में राइट किया होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं चेंज कर देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बिल्कुल हाथ के नीचे पड़ा है, मैं दिखाती हूँ। और जो अंडे चाहे हमारे चलना वो साफ हो जाए। और ये देखेंगे ये हमारा सिल्वर बटन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और ये सिल्वर बटन मुझे मिला। एक दिन ऐसा था कि मेरा ड्रीम था कि सब लोग ये बटन दिखाते हैं और मेरे पास सिल्वर में ये बटन दिखाऊं। तो ये देखें जी, यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ फूड एंड ब्लॉग। तो क्योंकि मेरी बहुत सारी फेक आइडियाज थी जिसकी वजह से मेरे साथ ब्लॉग लगा दिया, तो ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। और ये मेरे चैनल का नाम, ये देखेंगे अब इसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पर ताकि मुझे किचन में हर नजर आता रहे। अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकालेंगे एक प्लेट में। अगर आपको दिखाया जाए कि कितने खूबसूरत अंडे हमारे रेडी होंगे, प्लीज ये थोड़ा से हाफ फ्राई, क्योंकि फुल फ्राई अंडे जो है ना वो नहीं खाए जाते मेरे घर में। अगर हम थोड़ी सी खीर जैसी ये देखें, ओके अब आते हैं हम ब्रेड के तरफ। ब्रेड के लिए चाहिए होगा हमें दूसरा तवा, जिसे हमने रखा है क्योंकि इनसे पहले हम इसे करेंगे वॉश, क्योंकि मैं कोई भी बर्तन यूज करती हूँ ना तो उससे मैं पहले अच्छी तरह वॉश करती हूँ। और चाय साबुन नहीं भी लगा रही पानी के साथ ही, तो मुझे पता है मेरा किचन बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें जो है वो वॉश करती हूँ, यूज करती हूँ। इसे हम साइड से कर देंगे, बस हम कर रहा बहुत। और साथ हम लेंगे टिश्यू, ऐसा चीजें जो है हम वापस रखते जाएंगे क्योंकि किचन हमारा ज्यादा ही खराब है। और आप लोगों ने बहुत कहा था कि आप ही आप अपने किचन का टूर करवाएं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जल्द दो दिन बाद इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी कि मेरे किचन में क्या कुछ है और इसे मैंने कैसे सेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाने वाले वो कह रहे कि मत करना, मैं थक जाऊंगा। आपको नॉर्मल लगे तो मेरी जो है ना अच्छी हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे यहाँ पे हम ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। मैं जो ब्रेड है ना वो ऑयल के साथ इसे मैं टोस्ट करती हूँ, मुझे वैसे जाना अच्छी नहीं लगती। और अब एक अकलबंदी हम करेंगे वो ये जो हमारा थोड़ा सा ऑयल बच गया था, मैं इतना सा ऑयल भी ज़ाया नहीं करती, इसे हम डाल देंगे इसके ऊपर। दोनों काम हो गए हमारे। और ये थोड़ा सा अंडा इसे हम खा लेंगे। अब हम करेंगे लाइटर पर डाल देंगे अंडे के ऊपर, देखें कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अब होपफुल मुझे डांटना पड़े लें जी। इसे हम वापस रखेंगे और बताना पड़ रहा है आप लोगों को सब कुछ के क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हम जो है ना चाय का गैस भी जो है ना वो ऑन कर देंगे, चाय का फ्लेम भी, चाय का गैस दो मुझे लग रहा है एक टाइम पे नहीं चलेंगे। गैस जब थोड़ी सी आती है ना मैं ऐसे हाथ मारती हूँ ताकि वो जो ना वो सारी पूरे फ्लेम में अच्छी तरह से फैल जाए। वाह जबरदस्त खुशबू आ रही है। ब्रेड को तो मैं वापस करेंगे, वापस नहीं करेंगे मतलब कि फ्रिज में रखेंगे। ये भी जाएगी थी। अच्छा ब्रेड का जो फ्लेम है वो हम लो करते थे क्योंकि ये तकरीबन रेडी हो चुकी है।
और ये जबरदस्त ही हमारे ब्रेड देखें ऑयल के साथ। अगर मैं कहती हूँ आपने ऑयल खाना है तो आप जो ना ऑलिव ऑयल खाएं या इसके अलावा आप जो ना देसी घी का इस्तेमाल करें। और इधर हमारी जो चाय है ना वो भी थोड़ी उसमें भी बबल्स बनना शुरू हो चुकी है, अगर आप दिखाएं गुड़ वाली चाय, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुड़ वाली चाय। और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा कलर आ रहा है हमारा। और अब हम लेंगे एक ग्लास में पानी, यहाँ से हम हमारा ग्लास पानी का। अब हम इसमें डालेंगे पानी डिस्पेंसर से। एक वीडियो में मैंने गलती से कह दिया कि फिल्टर से है, तो इतना आप सब लोगों ने कहा कि ये फिल्टर नहीं होता, इसे फिल्टर नहीं कहते, डिस्पेंसर फिल्टर एक चीज है ना यार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो, मतलब कि आप लोग को समझ आ गई है तो बस ठीक है। सॉरी आप लोग मैसेज आना वो मिस हो जा रहे हैं, और यहाँ पे कौन कौन डबल टैप करते जाए। और अगर आपने मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लिए, वाह जी वाह, थैंक यू सो मच आमिर खान जी। आमिर खान ने हमें बहुत अच्छी गिफ्टिंग की है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्या बात है, नाश्ता आपके लिए रेडी हो रहा है। आपको तो चाहिए कि आप अच्छी अच्छी गिफ्टिंग करेंगे। ओके जी, और कौन है यहाँ पे हमारे साथ और किसी हमें क्या ज्वाइन नहीं होता है, माशाल्लाह थैंक यू रोज के लिए, थैंक यू सो मच मिस्टर आमिर। और भी है यहाँ पे मिस्टर आमिर के, आमिर खान ही है सर, मिस्टर आमिर कहा जाए आपको क्या, आमिर खान कहा जाए क्या, कहा जाए आपको, बस थोड़ा सा वेट करें। वाह जी वाह, मैं तो हैरान परेशान मैं तो हैरान हो गई कि हो क्या रह गया। ओके जी, और कौन है हमारे पास यहाँ पर जी, हम लोग जो है ना वो थैंक यू सो मच टिकटॉक पर थोड़ी देर बाद फिर से लाइव आएंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग करनी है मैंने, वो क्या अनबॉक्सिंग करनी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो है ना मुझे लग रहा है कि डबल टैप बहुत कम किया जा रहा है, फ्रंट टोस्ट बनाना सिखाएं जी, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, चाय बोलने लगी थी, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी बना के मैं आपको सिखाऊंगी, और बड़े ही एक डिफरेंट से स्टाइल में, तो इंशाल्लाह वेट करिएगा कि वो दिन कौन सा दिन आएगा, किस दिन मेरे घर वालों का दिल चाहेगा। और देखें चाय हमारी अच्छे से उबलना शुरू हो चुकी है, अगर सामने आके दिखाया जाए, क्योंकि उबलती हुई चाय कैमरे में बहुत अच्छी लगती है। और जो है ना फ्लेम लो करके हम लोग जो है ना वो कप में चाय डालेंगे, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे अम्मा अम्मा के कप, मुझे लगता है कि कप पी लेंगे। ये जो सालसा का थोड़ा सा मेस देखते हैं आप लोग ने इसे जो ना इग्नोर कर रहे, क्योंकि जब किचन में काम होता है घर में कोई भी हम काम करते हैं तो मेस तो बढ़ता ही है। और चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा मैं चाय को नहीं पकाती क्योंकि वरना फिर जो ना मुझे ज़्यादा पकी हुई चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये देखो इस तरह की आपको कलर से अंदाजा हो गया होगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं हम। कहते हैं लोग कहते हैं ना पति रोक के मीठा ठोक के, हम कहते हैं कि मीठा रोक के पति ठोक के, हमारा ये स्टाइल। चाय डालने के बाद कप को हम नीचे से साफ करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान, चाहे अभी तो हम लोग पीने लगे, वैसे नॉर्मली हम जब किसी को सर्व करते हैं तो भी
साफ करके करना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप किसी को गंदे कप के साथ दे देंगे, इंसान बेचारा अपने कपड़ों पर रखेगा और कप का निशान जो है ना वो उसके कपड़ों पर पड़ जाएगा। और फिर इसके लिए यूज करना पड़ेगा स्टेन रिमूवर चैलेंज। अब ये जो नाश्ता ना ये जाएगा फिर चलो प्यारे बच्चों आज हम नाश्ता करें। आज हम मैंने बनने होने प्यारे बच्चे जी नाश्ता आगे आते हैं। नाश्ता देखो जी 3:30 बजे नाश्ता। अब आप लोगों ने कहना कि नाश्ता बेड पर बैठ के, क्योंकि सर्दी है और बारिश व्यू के साथ जो ना मुझे अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर बैठ के नाश्ता करें। कोई शोर नहीं होता, कोई शराबा नहीं होता, सुकून से नाश्ता करते हैं। इंशाल्लाह भी फिर बताते हैं क्या होता है।